तो दोस्तों आज 7 अगस्त 2020 शुक्रवार का दिन हो चुका है, तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर आई है, जिसके तहत घर बैठे बिठाए सरकार की तरफ से 15,000 रुपए मिल सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो ये कैसे मिलेगा, अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सुशांत सिंह केस को लेकर बड़ी खबर आई है। सीबीआई के हाथ में जैसे ही सुशांत का केस गया, वैसे ही तेजी से कार्रवाई शुरू हो गई है। तो सीबीआई ने क्या कार्रवाई की है, अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा सरकार की तरफ से आज एक बहुत बड़ी खबर आई है, या कह सकते हैं सबसे बड़ी खबर, जिसके तहत छात्रों को यानी कि पढ़ने वाले बच्चों को सरकार बिल्कुल फ्री में स्मार्टफोन बांटेगी। इसके अलावा जिन भी लोगों का बैंक में खाता है, तो उन लोगों के लिए कुछ नए नियम जारी किए गए हैं। दोस्तों इसके अलावा चीनी बीमारी के कीटाणु के बाद अब एक और नए कीटाणु की एक नई बीमारी की खबर आई है, जो कि प्याज से यानी कि अनियन से फैल रही है। प्याज से जो बीमारी फैल रही है, तो इससे भी बहुत सारे लोग संक्रमित हो गए हैं और कई सारे लोग अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। तो दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक देखें, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरी दुनिया भर से। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्ल्ड मीटर के मुताबिक पूरी दुनिया भर में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या अब 1,91,94,758 हो गई है। आपको बता दें, इन टोटल मरीजों में से अब तक पूरी दुनिया भर में चीनी बीमारी की वजह से 7,15,618 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा आपको बता दें, जो टोटल मरीज हैं पूरी दुनिया भर में, तो इनमें से अब तक 1,23,01,005 लोग ठीक भी हो चुके हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया भर में अभी भी जिन लोगों का इलाज चल रहा है, तो उन टोटल केसों की संख्या 61,78,135 हो गई है। तो दोस्तों ये तो ताजा अपडेट था पूरी दुनिया भर का, लेकिन आइए अब एक नजर डालते हैं अपने भारत के आंकड़ों पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपकी स्क्रीन पर है। बिल्कुल ताजा जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से भारत में 62,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के लगभग 24 घंटे में बीते रोज। साथ ही मैं आपको बता दें, इसी के साथ हमारे भारत में चीनी बीमारी को लेकर एक नया रिकॉर्ड बन गया है। फिलहाल आपको बता दें कि जो नए मामले आए हैं, तो उन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 20,25,409 हो गई है। आपको बता दें, हमारे भारत में जो टोटल मरीज हैं, तो इनमें से अब तक 41,638 लोगों की जान जा चुकी है। आपको बता दें, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से लगभग 900 लोगों की जान गई है। साथ ही में हम आपको ये भी बता दें कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं चीनी बीमारी से। ठीक होने वालों की टोटल संख्या हमारे भारत में 13,77,384 हो गई है। इसके अलावा अभी भी जो लोग हमारे भारत में चीनी बीमारी के मरीज हैं, जिन लोगों का इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या 6,05,933 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देश में कहीं भी चीनी बीमारी लैब तक मात्र 3 घंटे में पहुंच सकते हैं, हर्षवर्धन का बयान। जी हां, भारत ने चीनी बीमारी महामारी से निपटने के लिए अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को काफी मजबूत कर लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार को कहा कि जनवरी के महीने में हमारे भारत में सिर्फ एक चीनी बीमारी की लैब थी और वहीं पर चीनी बीमारी की जाँच होती थी, लेकिन अब हमारे भारत में चीनी बीमारी की जाँच के लिए 1,370 लैब है। साथ ही में हर्षवर्धन की तरफ से ये भी कहा गया कि पूरे देश में किसी भी स्थान से चीनी बीमारी लैब तक पहुंचने के लिए मात्र ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे का समय लगेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकार के अपने वेबसाइट पर चल रही है देशभक्ति कविता कंपटीशन। हिस्सा लेने वालों को मिल सकता है 5,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक बिल्कुल फ्री में। जी हां, भारत सरकार की अपनी वेबसाइट पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक नया कॉन्टेस्ट शुरू किया गया है, जिसमें बच्चों को जिनकी उम्र 10 से 14 बरस तक है, तो उन लोगों को देशभक्ति पर पोएट्री यानी कि कविता बनाकर सरकार को भेजनी है सरकार की वेबसाइट पर आकर। जिनकी कविता अच्छी होगी, जिन लोगों को चुना जाएगा, तो पहले विनर को 15,000 रुपए, दूसरे विनर को 7,500 रुपए और तीसरे विनर को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन आपको बता दें, इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की तारीख आज 7 अगस्त 2020 है। बच्चों की मदद बड़े लोग कर सकते हैं, इसमें कैसे हिस्सा लेना है, अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सुशांत केस को लेकर आई बड़ी खबर। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती सहित 6 लोगों के खिलाफ दर्ज की है FIR। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से ये अपील की थी कि जो सुशांत सिंह राजपूत का केस है, वो सीबीआई में ट्रांसफर कर दिया जाए, यानी इसकी जाँच सीबीआई करे। तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में इसकी मंजूरी दी थी। मंजूरी मिलने के बाद ही सीबीआई ने इस केस को अपने हाथ में ले लिया और हाथ में लेते ही इस पर कार्रवाई भी शुरू कर दी। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती सहित 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, यानी इस लिस्ट में रिया चक्रवर्ती का भी नाम है, जो कि सुशांत की गर्लफ्रेंड मानी जाती थी। ताजा जानकारी के मुताबिक इन 6 आरोपी पर इस बात का आरोप है कि इन लोगों ने सुशांत सिंह को जान देने के लिए उकसाया था। तो सीबीआई के हाथ में जैसे ही ये केस आया है, तो इसमें बड़ी तेजी देखने को मिली है। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में सुशांत का जो केस है, वो जल्द ही सुलझ जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 12वीं के छात्रों को मिलेंगे फ्री में स्मार्टफोन।
ऑनलाइन होगी स्टडी। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि चीनी बीमारी के इस काल में छोटे स्कूल के बच्चे से लेकर बड़ों के कॉलेज तक जो भी छात्र हैं वो सभी लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें, इसी को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत छात्रों को बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन पढ़ने के लिए स्मार्टफोन दिए जाएंगे। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ये स्मार्टफोन 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों को दिए जाएंगे और ये फैसला पंजाब सरकार ने किया है। यानी जो पंजाब में 12वीं छात्र के बच्चे हैं उन लोगों को बिल्कुल फ्री में स्मार्टफोन दिए जाएंगे। नवंबर के महीने तक सभी बच्चों को स्मार्टफोन मिल जाएंगे। 15 अगस्त 2020 से स्मार्टफोन बांटने का काम शुरू कर दिया जाएगा। 50,000 स्मार्टफोन शिक्षा विभाग के पास पहुंच भी चुके हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बैंक ग्राहक हैं तो जरूर जान लें, लोन से लेकर चेक काटने तक बदल गए हैं सारे नियम। जी हाँ, बीते रोज गुरुवार को RBI की एक बैठक थी जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इन बड़े फैसलों से जो भी बैंक के ग्राहक है उन पर सीधे असर पड़ेगा। जो बड़े फैसले लिए गए उनमें से पहला फैसला है गोल्ड ज्वेलरी पर ज्यादा लोन। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अगर कोई अब गोल्ड लोन लेगा तो वो अपने सोने पर 90% तक लोन ले सकता है और बैंक इसको ऑफर कर सकते हैं। यानी सोने की कीमत मिसाल के तौर पर 10,000 रुपए है तो 9,000 रुपए तक अब लोन मिल जाएगा, जो कि पहले कम मिलता था। दूसरा जो बदलाव हुआ है वो है डिजिटल पेमेंट के लिए ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डिजिटल ट्रांजेक्शन करते वक्त कई बार ऐसा होता है कि हमारी पेमेंट फेल हो जाती है, पेंडिंग में चली जाती है और हमारे पैसे फंस जाते हैं। तो जो पैसे फंस जाते हैं, जो ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है, तो इस तरह के जो भी केस होते हैं तो उसके लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं जिसके तहत जो भी फंसे हुए पैसे हैं, जो भी फेल ट्रांजेक्शन है, तो उसका निपटारा जल्द से जल्द किया जाएगा। इसके अलावा अगला बदलाव हुआ है रिटेल ऑफलाइन ट्रांजेक्शन को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें बिना इंटरनेट या कम स्पीड में भी डिजिटल ट्रांजेक्शन हो सके। चाहे गांव के इलाके हो, शहर के इलाके हो, सभी जगह पर लोग ऑनलाइन तरीके से पैसे दें, इसकी व्यवस्था की जाएगी। जिस तरीके से मेट्रो के टिकट और कार्ड काम करते हैं बिल्कुल आसानी से और बहुत तेजी के साथ, तो इसी तरह की व्यवस्था लाई जाएगी। आपके कार्ड से, आपके वॉलेट से, आपके मोबाइल डिवाइस से ऑनलाइन पेमेंट हो सकेगा। इंटरनेट की स्पीड बहुत ज्यादा कम होगी तब भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा जो अगला बदलाव होगा वो है पॉजिटिव पे चेक मैकेनिज्म को लेकर। दोस्तों, चेक से होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिसके तहत चेक काटने वाला अगर अपनी जानकारी बैंक को भेज देगा और चेक की सिर्फ फोटो भेज देगा तो इसके जरिए ही चेक का क्लियरेंस हो सकेगा और पैसे निकाले जा सकेंगे। यानी कि फिजिकल रूप से चेक को बैंक में जाकर देना नहीं पड़ेगा। इस वाली व्यवस्था से 50,000 रुपए या इससे ज्यादा पैसे निकाला जा सकेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अमेजोन पर चल रही है बम्पर सेल, सिर्फ आज का है मौका। जी हाँ, अमेजोन पर टीवी पर, स्मार्टफोन पर, वॉशिंग मशीन पर, फ्रिज पर, एसी पर बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। कई चीजों पर 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो दोस्तों, जिन भी लोगों को इस समय कोई सामान लेना है, फोन हो या कोई और चीज, तो आप अमेजोन को विजिट कर सकते हैं। कौन कौन सी चीजें सस्ते में मिल रही है इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। याद रहे कि ये ऑफर प्राइम मेंबर के लिए है और सिर्फ आज के लिए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फिर आया नया खतरा, प्याज से फैल रहा है सेल्मोनेला बैक्टीरिया का संक्रमण। CDC ने बताए हैं लक्षण और इसके लिए भी जारी कर दिया गया है अलर्ट। जी हाँ, चीनी बीमारी से फैली महामारी से अभी भी दुनिया जूझ रही है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ एक और संक्रमण ने स्वास्थ्य एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। ये संक्रमण सेल्मोनेला नामक बैक्टीरिया से फैल रहा है। साथ ही में जानकारी आई है कि ये बैक्टीरिया प्याज से फैल रहे हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अमेरिका में ये संक्रमण 34 राज्यों के 400 लोगों तक पहुंच चुका है। इसके अलावा कनाडा में भी 50 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं इस बीमारी और इस बैक्टीरिया की वजह से। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अमेरिका में लाल और पीली प्याज से सेल्मोनेला बैक्टीरिया का संक्रमण फैल रहा है। इसीलिए ये भी अपील की गई है कि जो भी इस तरह के प्याज है अमेरिका वालों के पास, तो वो इसे फेंक दें और इसका इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, अगर ये बीमारी फैलने वाली होगी तो आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि ये भी बैक्टीरिया दुनिया के और देशों में फैलने के साथ हमारे भारत में भी आ जाए। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गोदरेज ने भारत में लॉन्च किया UV केस, पैसे से लेकर मोबाइल वॉलेट तक कर सकेंगे सैनिटाइज। जी हाँ, होम सिक्योरिटी की प्रमुख कंपनी गोदरेज सिक्योरिटी ने चीनी बीमारी के बढ़ते प्रकोप और लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक यूवी केस, यानी कि एक ऐसा बॉक्स, एक ऐसी डिवाइस लॉन्च की है जिसकी मदद से आप अपने रोजाना इस्तेमाल होने वाले चीजों को सैनिटाइज कर पाएंगे, जैसे मोबाइल फोन, वॉलेट, पैसे या मास्क वगैरह। आपको बता दें, ये बॉक्स यानी कि ये यूवी केस लीटर के हिसाब से आपको मिलेंगे। इसके 3 मॉडल हैं, 15 लीटर, 30 लीटर, 54 लीटर। इसकी कीमत लगभग 9,000, 10,500 और 15,000 रुपए है। यानी कि साइज के हिसाब से आपको जितना बड़ा सामान खरीदना है तो आपको उतना बड़ा ये यूवी केस यानी कि बॉक्स खरीदना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप गोदरेज की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लेबनान के बेरूत में हुआ बड़ा धमाका, 5 भारतीय भी हुए हैं जख्मी, भारत करेगा लेबनान की मदद। जी हाँ, विदेश मंत्रालय ने इस बात की सूचना दी है कि लेबनान में हुए धमाके में 5 भारतीयों को मामूली चोटें लगी हैं। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि लेबनान एक देश है जहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है जिसमें लगभग 140 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा 5,000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। आप सोच सकते हैं कि किसी धमाके में अगर 5,000 से ज्यादा लोग जख्मी होंगे तो वो धमाका कितना बड़ा
करना होगा। आपको बता दें, लेबनान में जो भी परेशानी आई है तो उसकी रिपोर्ट भारत ने मांगी है, फिर भारत अपनी तरफ से जो भी मदद हो सकेगी वो करेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों आपको बता दें कि जब ये बहुत बड़ा धमाका हुआ तो इसका एक वीडियो भी है, जिसका लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को देख पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक बार फिर नहीं बदले पेट्रोल डीजल के दाम, आइए बताएं ताजा भाव। जी हां, पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार राहत मिल रही है, यानी कि इसके दाम नहीं बढ़ाए जा रहे और न ही इसमें कमी की जा रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक आज भी आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 80 रुपए 43 पैसे का मिलेगा, तो वहीं आपको 1 लीटर डीजल 73 रुपए 56 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के पेट्रोल डीजल के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इन शहरों में नहीं रहते हैं तो हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके अपने शहर के पेट्रोल डीजल का ताजा भाव देख पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 7 अगस्त 2020 को ऐसा रहेगा भारत में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल में, तटीय उड़ीसा में, गुजरात में, कोंकण में, गोवा में, तटीय कर्नाटका में, केरल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश होगी, वहीं कहीं कहीं पर भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, कहीं कहीं पर भारी बारिश की भी चेतावनी है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार के भी कुछ हिस्सों में, झारखंड में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, पूर्व उत्तर भारत में, विदर्भ में, छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं आज के लिए। इसके अलावा आज 7 अगस्त 2020 को पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, आंतरिक कर्नाटका में, तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली में दरिंदगी की शिकार हुई मासूम से मिले अरविंद केजरीवाल। 24 से 48 घंटे है जिंदगी के लिए बेहद ही अहम। जी हां, दिल्ली में एक बार फिर से निर्भया जैसा मामला सामने आया है। ताजा जानकारी के मुताबिक हैवानियत की शिकार एक 12 साल की मासूम बच्ची हुई है फिर से दिल्ली में। आपको बता दें, 12 साल की बच्ची घर में अकेली थी, तभी ये हैवानियत का मामला सामने आया। आपको बता दें, जब बच्ची ने रोकने की कोशिश की तो कैंची से बच्ची के सिर को और शरीर को गोद डाला और पूरे जिस्म से खून बहने लगा। जो आरोपी था उसे लगा कि बच्ची की जान चली गई और वो वहां से भाग गया, लेकिन बच्ची ने अपने आप को घसीटते हुए गेट पर पहुंचा लिया और पड़ोसियों से मदद मांगी। ताजा जानकारी के मुताबिक ये भी बताया गया है कि बच्ची की इज्जत भी लूटी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद इस मामले की सारी बातें बताई हैं। बाकी हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके अरविंद केजरीवाल के बयान को सुन पाएंगे। सरकार भी चौंक गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो शिक्षकों को बताना होगा विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्या पढ़ाया। जी हां, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे शिक्षकों को, यानी कि अब टीचरों को रोजाना बच्चों को क्या पढ़ाया है इसकी जानकारी देनी होगी। शिक्षा विभाग के अधिकारी अब हर रोज अलग अलग टीचरों को फोन करके इस बात की रिपोर्ट लेंगे कि आखिर आप बच्चों को ऑनलाइन क्या पढ़ा रहे हैं। आपको बता दें, ये व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में की गई है, लेकिन इस तरह की व्यवस्था हमारे हिसाब से पूरे देश में होनी चाहिए, ताकि पढ़ाई का स्टेटस पता चलता रहे। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पंजाब सरकार ने ये ऐलान किया है कि जो भी 12वीं के छात्र हैं तो उन लोगों को बिल्कुल फ्री में स्मार्टफोन दिए जाएंगे पढ़ाई के लिए। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि पूरे देश में इस तरह की व्यवस्था लागू होनी चाहिए या नहीं, यानी कि पूरे देश में सभी पढ़ने वाले बच्चों को फ्री में स्मार्टफोन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। फटाफट से अपनी पर्सनल राय इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि भारत सरकार की तरफ से जो एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, तो इसमें कैसे हिस्सा लेना है, हिस्सा लेने के लिए भारत सरकार के कौन सी वेबसाइट पर जाना है, हिस्सा लेने के नियम क्या क्या है, इन सभी चीजों की जानकारी के लिए भी हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दे देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इस स्कीम का, इस कॉन्टेस्ट का फायदा उठा सकते हैं और 25,000 रूपए जीत सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ग्रेजुएट के लिए जूनियर समेत कई पदों पर निकली है वैकेंसी, आप कर सकते हैं आवेदन। जी हां, जो भी लोग सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपको बता दें सैड में कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। जो भी लोग इच्छुक उम्मीदवार हैं और जो भी लोग योग्यताओं को पूरा करते हैं, तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2020 है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो भी युवा 10वीं पास हैं, तो वो लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए भारतीय डाक विभाग में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें, ये वैकेंसी काफी पहले निकली थी, जिसकी लास्ट डेट 21 जुलाई 2020 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 12 अगस्त 2020 तक कर दिया गया है। तो जो भी 10वीं पास हैं, वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि बैंक ऑफ इंडिया में भी कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। सीधे इंटरव्यू देकर नौकरी पाने का मौका है। जी हां, जो भी लोग बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, तो वो लोग 16 अगस्त 2020 तक इस वाली वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं, अगर आप योग्यताओं को पूरा करते हैं, साथ ही में अगर आपकी इसमें दिलचस्पी है। तो दोस्तों हमने आपको अभी 3 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया है। इन तीनों ही वैकेंसी के बारे में जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी बहुत कुछ जान पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोना और चांदी हुआ फिर एक बार महंगा, आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हां, एक बार फिर से बीते रोज बृहस्पतिवार को, यानी कि गुरुवार को, सोने पर 225 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई, जिसके बाद दिल्ली के
सर्राफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 56,590 हो गई। वहीं बात की जाए चांदी की तो चांदी पर भी 1932 रुपए की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और इस बढ़ोतरी के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत दिल्ली के सर्राफा बाजार में 75,755 है। तो दोस्तों आज 7 अगस्त 2020 की यही ताज़ा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो सर्वे पूछा गया है उसका भी जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।